नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर। कोरोना काल के बाद से जब से रेलवे ने ट्रेनों के नियमित परिचालन की बात कही है, उसके बाद से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल यात्रियों के भीड़ को देखते हुए रेलवे आए दिन नए नए हथकंडे अपनाता रहा है, जिससे कि यात्रियों पर भीड़ को कम किया जा सके। हालांकि सबसे ज़्यादा भीड़ की स्थिति रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए होती है। खासकर जनरल कोच की यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनरल कोच के लिए टिकट काउंटर कम होने के कारण लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती है। ऐसे में अब रेलवे ने UTS के माध्यम से टिकट लेने की सुविधा शुरू कर दी है। ऐसे में अब आपको टिकट काउंटर पर नहीं जाना होगा और आप जो है बड़ी ही आसानी से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने अनारक्षित टिकट काउंटर पर लगने वाली कतार से बचने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। इससे घर बैठे ही अनारक्षित ट्रेनों के टिकट रेलवे यात्री आसानी से ले सकते हैं, या हम उसे कहें खरीद सकते हैं। साथ ही साथ उसे उतने ही आसानी से कैंसिल भी करवा सकते हैं। ECR यानी कि पूर्व मध्य रेलवे ने अपने सोशल मीडिया साइट पर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी साझा की है। बता दें कि यह ऐप प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ECR से पहले दूसरे रेलवे जोन ने टिकट लेने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग बड़ी ही आसानी से टिकट की खरीदारी भी कर रहे हैं UTS के माध्यम से। रेलवे की तरफ से जारी नई जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि रेलवे के जनरल टिकट बुकिंग के लिए यह जो ऐप है वह हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके जरिए रेल यात्रा के इच्छुक लोग आसानी से अनारक्षित टिकट बुक करा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद यात्री रेल वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और ई वॉलेट जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से टिकट ले सकते हैं। इस ऐप में यह सुविधा भी दी गई है कि जो यात्री रेल वॉलेट का उपयोग करेंगे उन्हें रिचार्ज बोनस भी दिया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि यात्रियों को ज़्यादा UTS को इस्तेमाल करने को लेकर जो है रेलवे इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, ताकि काउंटर पर कम भीड़ लगे और लोग जो है ई माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से UTS के माध्यम से टिकट को कटवा सके। आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर टिकट जब आसानी से कट ही रहा है तो फिर इस ऐप की ज़रूरत ही क्यों। ऐसे में रेलवे ने यह भी बताया है कि पहले अनारक्षित रेलवे टिकट स्थानों पर बुकिंग काउंटरों से यहाँ पर जो है लंबी लंबी लाइनें लगती थी। ऐसे में टिकट लेने में यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसे में यात्रियों को इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने इस नए तकनीक का इस्तेमाल किया है। रेलवे स्टेशनों पर UTS मशीन लगाई गई है। इस ऐप से रेलवे ने खुद ही विकसित करवाया है। शुरुआत में यह अंग्रेजी में उपलब्ध था, लेकिन बाद में इसे हिंदी में भी बदला गया है। आइए अब जान लेते हैं UTS ऐप का इस्तेमाल हम करें कैसे, इसको अपने फ़ोन में हम कैसे डाउनलोड करें ताकि हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको UTS ऐप को Google Play Store से डाउनलोड करना होगा। इस दौरान आपका नाम, मोबाइल नंबर के साथ कुछ जानकारियां जो है आपको साझा करनी होगी यानी कि बतानी होगी। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद ऑनलाइन ID पासवर्ड भी आपको उसी नंबर पे भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप इस ऐप को लॉगिन कर सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं, और आप स्टेशनों पर टिकट लेने के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से भी बच सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि स्टेशनों पर जो खास करके जनरल टिकट लेने के लिए जो यात्री लाइन लगते हैं उससे जो है उनको छुटकारा मिलने वाला है UTS ऐप के माध्यम से। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।